प्रोग्राम बिग डिबेट। बिग डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे उस सियासत के गर्मा गर्म माहौल की जिसने पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान सा ला दिया है। घटना छत्तीसगढ़ में हुई, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी छोड़कर चले गए, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। तमाम कवायद चल रही है, तमाम कहानियां हो रही हैं, तमाम बातें की जा रही हैं कि आखिरकार क्या बीजेपी के तमाम नेता जो नाराज हैं वो छोड़कर जाएंगे। और इस पर टिप्पणी जो वरिष्ठ नेताओं की हो रही है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, उसे साफ लग रहा है कि दोनों पार्टियां मन मान के चल रही हैं कि कुछ तो बड़ा बदलाव होने वाला है। नाराज लोगों में दीपक जोशी जैसे नेता हो सकते हैं जो लगातार कमलनाथ के संपर्क में हैं, वो तमाम दावे कर रहे हैं और अपनी जो व्यथा है, पीड़ा है, वो बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात से खुश है कि कम से कम बड़े विकेट चटकाने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है, और बीजेपी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस का सिर्फ दिवा स्वप्न है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, और हम इस खास पेशकश में हम तीन मेहमानों से आपको मिलवाएंगे जो चर्चा का विषय बनेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो जनता के मन में है, आप दर्शकों के मन में है, उन सवालों के जवाब हम मिलकर ढूंढेंगे और एक हल निकालेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारे साथी सलमान खान की ये रिपोर्ट। 2020 में बीजेपी ने सत्ता में भले ही जैसे तैसे वापसी की हो, लेकिन 2023 की राह आसान नहीं है, इसलिए पार्टी अपने पुराने और नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी है। लेकिन पार्टी को चुनाव से पहले झटके लगने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य से बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी को झटका लगने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भी कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। दीपक जोशी का कहना है कि जहां सम्मान मिलेगा वो वहां जाने के लिए आजाद हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीपक जोशी के मुद्दे पर अपनी बात कुछ इस तरह रखी। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वटवृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। 2020 में बीजेपी सरकार को बनाने वाले सिंधिया खेमे को तवज्जो दिए जाने से पार्टी के पुराने नेता नाराज चल रहे हैं। गाहे बगाहे सोशल मीडिया के जरिए भी नेताओं का दर्द छलकता नजर आता है। अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन, गौरीशंकर शेजवार, नारायण तिवारी, ये वो नाम है जो पार्टी को अलग अलग फोरम पर घेरते नजर आते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ कई बार कह चुके हैं बीजेपी के कई नेता उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। बीजेपी में सिंधिया खेमे की बढ़ती पूछपरख से कई नेताओं को लग रहा है कि उनकी टिकट की दावेदारी पर संकट के बादल छाए हुए हैं, लिहाजा वो अपने लिए दूसरी पार्टी में जगह तलाश रहे हैं। बीजेपी अपने कुनबे को बचाने के लिए सारे जतन कर रही है, लेकिन चुनावी फिजा में मन बनाकर बैठे नेताओं को मनाना आसान नहीं होगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और सियासत इसी बात पे गरमाई है। बारिश में भले ही बैसाख के मौसम में सावन महीना लग रहा हो, लेकिन राजनीति जो मतेज की उसमें जून का महीना साफ दिखाई पड़ रहा है, जो तपिश दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में नंद कुमार साय जो कांग्रेस में चले गए, बीजेपी के नेता, बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के संस्थापकों में शुमार, बीजेपी के उन लोगों में शुमार जिन्होंने जनसंघ के जमाने से पाला पोसा, उनके जाने से बाद माहौल गरमाया है। और इसलिए मध्य प्रदेश में तमाम वो नेता जो जिस समय बड़े हाशिए पर थे या जिनको दुख दर्द जिनका पार्टी नहीं सुन रही, उनको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे आज, ब्रजगोपाल लोया जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल लोया जी उन नेताओं में शुमार हैं जो बड़ी संजीदगी के साथ अपनी बात करते हैं, और साथ में सिद्धार्थ राजावत, वो नेता जहां इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती उस इलाके से आते हैं जिस इलाके में कांग्रेस बड़ी दमदारी के साथ कदम रखने जा रही है और बड़ा दावा किया जा रहा है, तो सिद्धार्थ रावत जी हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका स्वागत। और एनालिसिस के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एडिटर स्वराज एक्सप्रेस के सुशील शर्मा जी, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ब्रजगोपाल जी लोया आपसे शुरू करूँ कि निश्चित रूप से आपका राज्य नहीं है, हमारा राज्य नहीं है छत्तीसगढ़, लेकिन नंद कुमार जी का जाना माना जा सकता है कि पार्टी के लिए बड़ा झटका है, और उसकी उस झटके की तपिस कम से कम मध्य प्रदेश तक सुनाई पड़ रही, दिखाई पड़ रही है, महसूस की जा रही है। दो बातें हैं। पहले तो एक बात आपसे कहूं कि नंद कुमार साय जी
या नंद कुमार साय जी जैसा कोई भी कार्यकर्ता जब पार्टी छोड़ता है तो निश्चित है कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि ये विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता। परंतु जो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो चुके हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हमें नई और युवा पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना होगा। लोकतंत्र में हम रास्ता बनाते हुए आगे चलते चले और पीछे आने वाली पीढ़ी और योग्य नेतृत्व के लिए रास्ता बना। दूसरी बात, आपने मध्य प्रदेश में जिसकी चर्चा आप और हम कर रहे हैं कि कल कमलनाथ जी ने कहा कि नंद कुमार साय जी के आने पर, जो कमलनाथ जी का वक्तव्य है वो अपने आप में मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, ये मध्य प्रदेश के जिन नेताओं की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें से खासतौर से दीपक जी जोशी की चर्चा कर रहे हैं, तो दीपक जी के बारे में मैं आपको बता दूं, वे भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए कार्यकर्ता हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। और एक बात और आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले राजनीतिक दल है, हम किसी परिवार के राजनीतिक दल नहीं है कि जिनके विचारधारा के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो दीपक जी का अगर कोई विषय है संगठन के सामने वो रखेंगे, परंतु दीपक जी नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस में जाने वाले हैं, ये खबरें इतनी, इनमें कोई दमदारी नहीं है। और दीपक जी के या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में मैं एक बात और कह दूं, जो संस्कार है, जो राष्ट्रवाद है, जो उसके जो संस्कार है, वो कांग्रेस पार्टी में कभी स्वीकार वो भी नहीं होंगे। और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को स्वीकार भी नहीं कर पाती। ब्रज भाई, दोनों का सोचने का तरीका है। ब्रज भाई, लेकिन जब मन दुखता है, कोई कष्ट होता है, नहीं सुनता है कोई, अपने बड़े लोग नहीं सुनते, तो आदमी बगावत करता है। और आप जो बात संस्कार की बात कर रहे हैं, बड़े उदाहरण हमारे सामने, ताजा उदाहरण नंद कुमार साय साहब का है, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जनसंघ के जमाने के हैं। शंकर सिंह बाघेला साहब का उदाहरण हमारे सामने है। तो वो जैसे होता है, किसी एक बड़ा खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ रहा है आप जो बात कह रहे हैं कि वो खूबसूरत सा शेर ये है कि तूफान में अगर ना हो तो सब्र किया जाए, तूफान में अगर ना हो तो सब्र किया जाए, साहिल पे खड़े होकर तो डूबा नहीं जाता। तो आप साहिल पे खड़े, आपने बड़ा अच्छा नाम याद दिलाया शंकर सिंह बाघेला जी का, कि उन्होंने जहां जमीन तलाशने की कोशिश की और अंत में नतीजा क्या हुआ, और बाद में नतीजा क्या आया, शंकर सिंह जी बघेला के चिरंजीव ने वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। देखिए, यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस आग्रह के साथ कार्यकर्ताओं को लाना चाहती है, बाद में उनसे दुराभाव करती है, तो कांग्रेस पार्टी में ये क्षमता नहीं है। और जहां तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, माननीय कमलनाथ जी की, जो स्वयं की सरकार और संगठन को नहीं बचा सके, जिनके खुद के विधायक साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब ये कहते थे चलो चलो चलो, तो लोग चले गए, तो जो लोग खुद के लोगों को नहीं संभाल पाए वो दूसरे लोगों को क्या संभालेंगे। कमलनाथ जी पर सिद्धार्थ राजावत जी बड़ी दमदारी के साथ अपना पक्ष रखते हैं। सिद्धार्थ जी, वो कह रहे हैं कि आपके नेता जब अपने लोग नहीं संभाल पाते हैं, आपके लोग अपने नहीं संभालते, तमाम चले जाते हैं कि करके, तो बाहर से आए लोगों को क्या संभालेंगे आप? देखिए त्रिपाठी जी, बड़ा हास्यप्रद ये जवाब दिया है लोहिया जी ने। आप देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक समय बोलती थी कि वल्लभ भवन में दलाली का अड्डा बना हुआ है, शायद आपको याद होगा जी। और ये वही पांच मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाके उनको पदोन्नत करके पुनः अच्छे अच्छे विभाग दिए गए, जो आज भी वहां पे बलाईदार विभागों में है। और जो कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं तब तक सुशील जी के पास आता। सुशील जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे थे, ब्रज गोपाल लोया जी कह रहे थे और सिद्धार्थ जी की बात आपने सुनी। बड़ा मुद्दा ये है कि क्या दीपक जोशी या बाकी नेता जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, चाहे दीपक जोशी हो, चाहे अनूप मिश्रा जी हो, या इस तरह के तमाम लोग जो बड़े नाम हुआ करते थे, आज वो खुद हाशिए पर हैं, क्या कांग्रेस इनको अगर लेती है तो कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचा पाएंगे? देखिए, नफा नुकसान तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार दल बदल बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले मैं लोकेश लोया जी, जो कि भाजपा, ब्रजगोपाल लोया जी जो बात कह रहे हैं, इससे एक बात बहुत स्पष्ट झलकती है कि भाजपा के स्वर बदले हुए हैं। आपको ध्यान होगा 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब भाजपा के लोग छोड़ के जा रहे थे, तब इन लोगों के स्वर ये थे कि पार्टी ने इनको इतना दिया है,
हर बार क्या देते रहेंगे, क्या पार्टी इनके लिए बपोती होगी, वो तो वो स्वर आप नंद कुमार साय के जाने के बाद बदले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा में जो एक डर जो है वो डर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण, देखिए दल बदल के तीन वजह होंगी अगर आप देखें पूरे सिनेरियो में। अभी 2023 की रण की जो तैयारी चल रही है, तीन कैटेगरी के लोग हैं जो दल बदल की संभावना में आ रहे हैं। पहला तो वो है जो सिंधिया के आने के कारण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनका राजनीतिक करियर शायद जो है बिल्कुल उतार पर है। उसमें दीपक जोशी मध्य प्रदेश से बड़ा नाम है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लगभग 22 लोग उस समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। दूसरा वे हैं जो हार चुके हैं और उनके टिकट दोबारा मिलने की संभावना नहीं, वो भी अपना ठिया तराश रहे हैं। और तीसरा वो है जो ये कहा जा रहा है कि भाजपा में गुजरात मॉडल पर जो है काम किया जाएगा, तो जो विधायक हैं उनके भी टिकट कट रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी तलाश कर रहे हैं। तो ये तीन कैटेगरी के लोग हैं और इन पर कांग्रेस की पूरी नजर है। पर सुशील जी आप अगर पूरा जैसे आप बात कर रहे हैं तो दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एनालिसिस आप करिए, तो इसके पहले भी आप तमाम दिग्गज घर बिठा दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ा पार्टी की सेहत पर। आप देखिए ना, हिम्मत कोठारी घर बैठ गए, कैलाश चावला जी घर बैठ गए, आप देखिए चंद्रभान सिंह चौधरी घर बैठ गए, तमाम दिग्गज लोग। और जो दिग्गज छोड़ के गए भी, चाहे वो सरताज सिंह जी हों, चाहे रामकृष्ण कुशमारिया जी हों, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया बीजेपी की सेहत पर। मैं वही तो बोल रहा हूँ अजय जी, 2018 में बीजेपी के सुर अलग थे, किसी भी नेता के जाने पे कभी जिस तरीके के बात अभी लोया जी कह रहे थे ऐसे इसके पहले किसी नेता ने नहीं किया। हमेशा यही कहा गया कि पार्टी ने इनको बहुत दिया, इतनी बार से विधायक है, अगर इस बार टिकट नहीं मिलेगा तो, और अगर ये टिकट की मांग करते हैं तो गलत है, ये पार्टी छोड़ के जा सकते, ये बातें कही जाती थी। लेकिन अभी जो लोया जी बोल रहे हैं ये स्वर नंद कुमार साय को लेकर, देखिए ना कितनी पॉजिटिव बात की जा रही है कि ऐसा बहुत दुखद है नहीं जाना, ये तो ये बात कहीं ना कहीं भाजपा में वो डर जो 2018 के पहले जो डर नहीं था, वो ये डर 2023 के चुनाव के पहले नजर आ रहा है, इसीलिए जो है सबको रोकने की कोशिश की जा रही है। बात कर लेते लोया जी, लग रहा है कि जो सिंधिया के आने की जो बात सिद्धार्थ जी बार बार कह रहे थे कि आपके अंदर भी दहशत कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं में है कि भाई सिंधिया का पहले आप जो पार्टी छोड़ रहे थे, लोग आपको नाराजगी थी, पार्टी के अंदर की नाराजगी, परिवार की नाराजगी, तमाम बातें थी। लेकिन इस बार जो सिस्टम बन रहा है आपके यहाँ मध्य प्रदेश में, कम से कम बात करें, जो नाराजगी है वो इस कारण नहीं है कि पार्टी में कोई बात सुनी नहीं जा रही, नाराजगी है कि विकल्प खत्म हो रहा है, चाहे वो जयंत मलैया जी का मामला हो, चाहे आपका दीपक जोशी जी का मामला हो, या आप देखिए जहां जहां आपने इस तरह का प्रयोग किए वहां स्थिति हुई आपकी पार्टी के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा, नया ठिया तलाश रहे, शायद इसलिए आपके मन में दहशत है। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कई चीजें बहुत काल्पनिक होती, ये आज एक बहुत कल्पना की बात है कि बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे, ये मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कोई भी सत्य है, और वो इस आधार पर नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर कार्यकर्ता, इस नाते तो वो कभी शामिल भी नहीं हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो तो इस विचार के साथ शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम चार रहे ना रहे। ऐसा कोई कार्यकर्ता ना तो भारतीय जनता पार्टी से जाने वाला है, ना वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं कि जो पेड़ होता है उससे एक पत्ता भी गिरता है तो निश्चित कहीं ना कहीं पेड़ की क्षति होती है, परंतु कभी पत्ता यह समझे कि वो पेड़ है तो यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, इसलिए जो लोग छोड़कर गए वो प्रभाव शून्य हुए, और प्रभाव शून्य इसलिए हुए कि आप एक विचारधारा के पक्ष में खड़े थे, किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं खड़े थे। और भारतीय जनता पार्टी में एक बिल्कुल सीधा सा मानना है कि हमारे लिए विचारधारा प्रथम है, विचारधारा के साथ जुड़े रहना प्रथम है, जीत हार की संभावना दूसरे नंबर पर आती है, और कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता चाहती है, विचारधारा उनके पास है नहीं, परिवारवाद में और विचारधारा आधारित दल में यही एक भिन्नता होती है। चलिए मैं सिद्धार्थ जी आप सब बीच में ऑडियो जा रहा था, आपका बात नहीं हो पाई पूरी। बड़ा सुंदर सा सवाल है आपके सामने, बड़ा जो लोया जी ने मामला उठाया है कि आप वैचारिकता से जुड़े लोगों को लाते हैं, वो वैचारिकता छोड़कर नहीं आ पाते हैं, पार्टी छोड़ के भले आ जाएं, और इसीलिए आपके पास आने के वाले जितने नेता बड़े बड़े नाम आते हैं उनका कोई लाभ आपको नहीं मिलता। देखिए त्रिपाठी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की जो 14 में उन लोगों ने एक नारा दिया था जी, कांग्रेस मुक्त भारत, और देखिए कांग्रेस मुक्त करते करते ये लोग खुद कांग्रेस युक्त हो गए। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हालत है कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और बीजेपी भाजपा, ये एक ही भाजपा के अंदर चार चार प्रकार की भाजपा है। किस प्रकार से संबल क्षेत्र में आपने देखा होगा किस प्रकार से कार्यकर्ता आरएसएस के भाजपा के घर बैठ रहे हैं,
और उसको सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा होगा कि उसको हमको 57 साल बाद हम कांग्रेस जीते, 18 साल बाद हम मुरैना जीते और 28 साल बाद हम जबलपुर जीते, हम पूर्णी से थे, पूर्णी से 5 बार आए। तो ये कहीं ना कहीं एक हताशा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो अपने आप को मतलब कैडर बेस्ड पार्टी बोलती थी, आज उनका कार्यकर्ता धीरे धीरे जमीनी कार्यकर्ता सरकता जा रहा है। और अभी मेरे काबिल मित्र मेरा जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के अंदर तवज्जो नहीं दी जाती है जो आता है, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो दी जाती है? आप देखिए किस प्रकार से बालेंद्र शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उसको इस्तेमाल करके किस प्रकार से दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, किस प्रकार से कुलदीप भैया जी का इस्तेमाल किया, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे रिलेशन कई लोगों की, ये लोग इस्तेमाल करते हैं और बाद में घर बैठा देते हैं। पर शुरुआत तो हाथों हाथ लेने से हुई वैसा, पर सिद्धार्थ भाई उनकी शुरुआत तो चाहे आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको भी हाथों हाथ बीजेपी ने लिया, चौधरी राकेश सिंह को हाथों हाथ लिया बीजेपी ने, अब नाम गिनाते जाइए, बीजेपी ने बड़ा हाथों हाथ लिया, उनको पद दिया, पद भी दी, सब कुछ तो दिया। नहीं नहीं देखिए, पद देना और पद का सुनिए अधिकार देना दोनों में बहुत अंतर है। आपने पद तो दे दिया, मतलब पोर्टफोलियो का पद था, उसमें उनके पास कोई राइट नहीं थे, कोई काम नहीं कर सकते, उनको मंच पर बैठाला नहीं जाता था, उनकी हर जगह पे तोहिन की जाती थी, उसी कारण वही कारण था कि चौधरी राकेश सिंह जी भी छोड़ा, बालेंद्र शुक्ला जी ने छोड़ा, उर्सिन भरैया ने छोड़ा, ऐसे कई नाम है मेरे पास जिन्होंने भाजपा को छोड़ा। और अभी क्या है, अभी आप देखिए, अभी ये 23 के चुनाव में भी बहुत टाइम, 6 महीने है, 6 महीने में बाढ़ आएगी, बाढ़ भारतीय जनता पार्टी, अभी दैनिक भास्कर में परसों के प्रथम पृष्ठ पे छपा है कि भाजपा के अंदर खलबली, उनके सर्वे में आएगी सिर्फ 100 सीटें आने वाली है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, जो सर्जरी कर रहे हैं गुजरात मॉडल पे, उसमें आप देखिए उनकी जो कार्यकर्ताओं को दीमक रूपी कांग्रेस तो चाह रही थी, वो जाके भारतीय जनता पार्टी में दीमक रूपी कार्यकर्ता। ब्रजगोपाल जी आप भले, ब्रजगोपाल जी आप भले कह रहे हो कि हम तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो सिद्धार्थ जी तो कह रहे हैं कि बाढ़ आने वाली है आपके यहाँ से, बिल्कुल जो उनको मैसेज उनके पास है। मैंने आपसे क्या कहा, बिल्ली हमेशा ये इंतजार करती है कि छींका टूटेगा, परंतु वो छींका टूटता नहीं है और वो बिल्ली भूखी रह जाती है। मैं आपको कह रहा हूँ, सत्ता के लिए आप बिल्ली की तरह देखना, ये जो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, यही तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। सिद्धार्थ राजावत जी को 5 नगर निगम तो याद आ गए और ये भूल गए कि हम वो राजनीतिक दल है, जब हमने पहला चुनाव लड़ा था तो हमारी 2 सीट आई थी और कांग्रेस की 414 आई थी, और आज जब सिद्धार्थ जी और मैं बात कर रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी की 2 से बढ़कर 303 हो गई और कांग्रेस पार्टी 414 से 444 पर आ गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप किस चीज में खुश हैं, कहां कहीं भी आप अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं, परंतु पिछले चुनाव 2003 से आज तक के, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जनता में कभी भी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोट नहीं मिले। 2003 से आज तक आप सारे निकाय हार गए, आप पंचायत हार गए, जिला पंचायत हार गए, आप कहीं नहीं जीते। 28 उपचुनाव 2020 में हुए, 4 उपचुनाव 2021 में हुए, आप कहीं नहीं जीते, लोग आपको छोड़कर जाते जा रहे हैं और आप सत्ता बचा पाए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी भाजपा से नेक टू नेक फाइट की, हमारे कार्यकर्ताओं ने 7,800 बिल्कुल 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 सिद्धार्थ जी बिल्कुल हम आपसे कह रहे हैं, आप नेक टू नेक फाइट में आज किसके भरोसे, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे जो आप अभी कह रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद स्वीकार करते कार्यकर्ता मुकाबले में मेरे नहीं है। ब्रजगोपाल जी एक मिनट में सुशील शर्मा के पास आना चाहता हूँ। सुशील जी दोनों बातें, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, उसका जवाब आपसे चाहता हूं मैं कि देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी, बीजेपी से छोड़कर जब वो लोग व्यक्ति गए कांग्रेस में और कांग्रेस में गए, चाहे बड़े नेता जितने हो, चाहे आप सरताज सिंह जी वो चुनाव हार गए, पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी ज्वाइन की, रामकृष्ण कुसमारिया कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, ये बड़े नेता चुनाव हार गए, लेकिन जो लोग बागी होकर चुनाव लड़े, चाहे राणा उसको शेर सिंह क्या है निर्दलीय प्रत्याशी अपने बुरहानपुर वाले, उनको देखिए वो जीत गए, आपका प्रदीप जायसवाल जीत के आए, तो ये जो बगावत करके बागी होकर लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, जो पार्टी बदल के जाते हैं, तो क्या जनता की नाराजगी इसमें रहती है या क्या इसका क्या कारण हो सकता है? ये स्वाभाविक रूप से देखिए कोई भी राजनीतिक दल से जब कोई नेता छोड़ता है तो वो जनता की उम्मीदों को जो है कहीं ना कहीं उम्मीद से कम होती है। बहुत सीधी सी बात है, जनता जो है विचारधारा के आधार पर जो है राजनीतिक दल को वोट करती है और उस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति या नेता को वोट करती है। यदि वो व्यक्ति या नेता
विचारधारा को छोड़कर दल बदल करता है तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। और ये इससे सबसे बड़ा हमारे सामने उदाहरण सरताज सिंह का खुद का है। कितने बड़े लीडर हैं जिन्होंने अर्जुन सिंह सहित कई दिग्गजों को हराया, अपनी सीट बदल के दूसरी सीट पर भाजपा से जीते, लेकिन जब कांग्रेस में आए तो वो चुनाव हार गए। तो ये कहीं ना कहीं ये जनता का, आपको दोनों ही दलों को इस बात को समझना होगा कि यदि वो बागी होकर लड़ते हैं तो उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन यदि आप दल बदल के करते हैं तो स्थितियां बदल जाती हैं। आप इसी में देख लीजिए, अगर 2020 के आप चुनाव को अगर उपचुनाव के आधार बनाएंगे तो ग्वालियर चंबल के 16 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उनमें से सिर्फ 9 पर जो है जीत पाए और 7 सीटों पर प्रत्याशी हार गए। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दल बदल को लेकर जनता का भी थोड़ा सा रुख जो है अब बदलने लगा है। तो इस बात को चाहे कोई भी राजनेता इस बात का आकलन करने के बाद ही उसको अगला कदम उठाना चाहिए, अन्यथा उसके कैरियर को बहुत ज्यादा फिर उम्मीदें नहीं। आप देखिए जो 7 लोग हारे हैं जो सिंधिया के साथ दल बदल किए थे, क्या उनको टिकट मिलने की संभावना है? बहुत सारी चीजें फिर बदल जाती हैं। तो ये बेहतर होगा कम से कम जिस दल में आप हैं उस दल में ही अपनी पैठ बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। मैं बिजगोपाल जी, बड़ा सिंपल सा सवाल मेरा है कि क्या बीजेपी इस बात को मान के चलती है कि जो नाराज हैं, देखिए नाराजगी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है, दीपक जोशी की नाराजगी हो, अजय बिश्नोई जी की नाराजगी हो, नारायण त्रिपाठी जी की नाराजगी हो, अनुप मिश्रा जी की नाराजगी हो, साफ दिखाई पड़ती है, तो क्या आप बिल्कुल हर बार की तरह ढील देंगे ठीक है जो जाना जाने, या तो उनको समझाने की मनाने की पार्टी कोशिश करेगी? अगर कोई नाराज ना हो तो वो अच्छा परिवार नहीं कहलाता जी। अपना मत रखना, अपनी बात रखना और असहमति और सहमति के बीच में साथ रहना, यही परिवार की परंपरा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यदि एक तरह का फतवा चलने लगे तो परिवारवाद में और विचारवाद में फर्क क्या रहेगा? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं के हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, लीडर्स ऑफ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। राजावत जी कह रहे थे कि हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं, तो ये मतभेद हो सकते हैं, मगर कोई भी मतभेद संगठन के स्तर पर जाकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां विचारधारा बीच में आती है। मैं आपसे फिर कहता हूं, हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है कि लोग केवल इस आसरे हैं कि वो विधायक बनेंगे, सरकार में आएंगे, मंत्री बनेंगे और फिर कांग्रेस का जो एक और अंतिम लक्ष्य है इस देश और प्रदेश को लूटेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का ना तो सोच है ना उसके कार्यकर्ता की सोच है। उसकी सोच ही अंत्योदय है कि वो किस तरह सत्ता में शामिल होकर अंत्योदय कर सकता है, और इसलिए कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर सोचता है कि वो दूसरे कार्यकर्ता से बेहतर काम कर सकता है, परंतु अंतिम निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर संगठन करता है, उस निर्णय का पालन हर कार्यकर्ता करता है। सिद्धार्थ जी, वो तो आपकी नियत पे सवाल उठा रहे हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है कार्यकर्ता से, पार्टी से, नेता से, आपको तो कैसे भी सरकार बन जाए। देखिए 24/7 की बात करते हैं, 24 घंटे ये चुनाव मोड में रहते हैं जी, और कितने लालायित थे कि आपने देखा था कि 19 में कैसे लोकतंत्र की हत्या करके पीठ में छुरा घोंप के 28 लोगों को 35-35 करोड़, 40-40 करोड़ रुपए देके उन्होंने अपनी सरकार पुनः बनाई। तो आप ये बात जनता भी जानती है। ब्रज भाई, समय खत्म हो रहा, बस आखिरी टिप्पणी में सुशील जी करूंगा, प्लीज। मैं सुशील के लालायित कौन है? चलिए चलिए, बिल्कुल जनता के लिए काम करते हैं। आखिरी 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 कमेंट सुशील शर्मा जी के पास एनालिसिस के साथ। सुशील जी, दोनों मेहमानों को आपने सुना, उनका कहना है कि भाजपा जिस तरह का संगठन है, जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की परंपरा, जिस तरह की प्रथा परंपरा है, उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं होना। वो सिद्धार्थ जी अलग बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि आखिरकार दोनों का टारगेट तो सत्ता है। बिल्कुल, दोनों का टारगेट सत्ता है, लेकिन इस अगर दोनों पार्टियों का आप एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी जो सिंधिया के जाने के बाद जो एक बड़ा सा भाजपा में जो बदला है चेहरा, बिल्कुल 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 सही, मैं सहमत हूँ और निश्चित रूप से कि सिंधिया का जो पार्ट हुआ, इंडिया एपिसोड हुआ, उससे निश्चित रूप से बीजेपी की छवि बदली है, और बीजेपी की इमेज जो कहा करती पार्टी विद द डिफरेंस जो कहते थे, वो पार्टी विद द कन्वीनियंट जैसी एक छवि हो गई। ब्रज भाई सॉरी, मैं कहना चाहूंगा कि वो पार्टी विद द कन्वीनियंट आपकी छवि हो गई है, इसको जब तक नहीं बदलेंगे तो इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। खैर, आप सब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज का प्रोग्राम बस मुझे खत्म करता हूं, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन आप जहीं जाइएगा मत दर्शकों, आप देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।